यूपी में गरीबी रेखा वाले कितने उपभोक्ता हैं जो बिजली जलाते हैं? उत्तर प्रदेश नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज से आदेश कर इसकी जांच करने को कहा है। दरअसल बिजली दर बढ़ाने के लिए कंपनियों की तरफ से दलील दी गई थी कि उनके यहां लाइफलाइन उपभोक्ताओं की संख्या 1,39,00,000 है, जबकि एक साल पहले तक यह संख्या महज 19,00,000 थी। अब एक साल में 1,20,00,000 उपभोक्ता कहां से बढ़ गए? इसको लेकर उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाया था, उसकी तरफ से नियामक आयोग में शिकायत भी की गई। अब उपभोक्ता परिषद की शिकायत पर नियामक आयोग ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां, आपको बता दें, परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि विभागीय आंकड़ों में अप्रैल 2022 तक लाइफलाइन उपभोक्ताओं की संख्या महज 32,00,000 थी। ऐसे में 2 महीने के अंदर 1,07,00,000 रुपए कहां से आ गए, जबकि कुल उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। ऐसे में यह सब खेल आम लोगों से ज़्यादा पैसे वसूलने का है। उपभोक्ता परिषद पहले ही यह आरोप लगाता आया है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 22,000 करोड़ रुपए निकल रहा है। ऐसे में बिजली महंगी होने की जगह पर सस्ती होनी चाहिए। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने इसको लेकर नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में हेर फेर किया गया है, जिससे कि बिजली महंगी करने में मदद मिले। गरीबी रेखा वालों को 1 किलोवाट का कनेक्शन दिया जाता है। इसमें 100 यूनिट तक उनको 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होता है। अगर सच में 1,39,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, तो उनमें से 1,20,00,000 लोगों से प्रति यूनिट 3.35 रुपये लिए गए। यानी 100 यूनिट बिजली चलाने के बाद एक उपभोक्ता से 35 रुपये ज़्यादा लिए गए हैं। अवधेश वर्मा का आरोप है कि अभी तक सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले उपभोक्ताओं के लिए 483 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी, मगर अब 1,39,00,000 के आधार पर 4,875 करोड़ देने की बात कह रही है। ऐसे में कुल 4,392 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है। उनका कहना है कि यह बात समझ से परे है कि रातों रात कागज में कैसे गरीबों की संख्या बढ़ गई। अगर 1 किलोवाट वाले ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं का सौभाग्य गरीबी रेखा वाला कनेक्शन में शामिल कर लिया गया है, तो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। करीब 3 सालों से इन उपभोक्ताओं से 100 यूनिट खर्च पर 3.35 रुपये प्रति यूनिट से वसूली हुई है, जबकि गरीबों से 100 यूनिट तक 3 प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है। उसका फिक्स चार्ज भी 50 रुपये आता है, मगर 19,00,000 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 1,20,00,000 बिजली जलाने वालों से प्रति यूनिट 35 पैसा और फिक्स चार्ज 45 रुपये ज़्यादा वसूला गया है। आम उपभोक्ता फिक्स चार्ज पर 90 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना है। इसकी वसूली बिजली कंपनियों से होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।